हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैरामाउंट वायर एंड केबल से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड हमने काफी बार वीडियोस बनाई है, बातें भी करी है। टाइम टाइम पे मैं आपको पुरानी वीडियो, नई वीडियो, सब वीडियो ला ला के आपको बताता रहता हूँ कि एक्चुअली हमें इन शेयरों में क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो कोई पुराने लेवल पे अटका होता है या कहीं नीचे रिसेंट लेवल पे अटका होता है। तो उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक बार बातें करते हैं, देखते हैं एक्चुअली शेयर में दम है या नहीं, क्या कंपनी अच्छी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम देखे तो आज यहाँ से दो तीन पहले यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आया, फिर एक 3-4 दिन इसमें अपर सर्किट लगे और फिर उसके बाद 3 दिन से लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका मोमेंटम जो यहाँ से हमने पकड़ा था उसके बाद एक मोमेंटम चला था, वो मोमेंटम क्या खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए, चीजें फंडामेंटली अच्छी है बट क्या टेक्निकली अच्छी है? तो इसलिए हम जब बात करते हैं कि चीजों को केवल ना तो फंडामेंटल के बेसिस पे और ना ही टेक्निकल के बेसिस पे, दोनों दोनों के बेसिस पे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के बेसिस पे चीजों को देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक कोर्स लेके आपके लिए लाए हैं जहाँ पर हम बात करते हैं टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ ऐड नहीं हुआ है वो। तो बेसिक्स टू एडवांस सब चीजें सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि इन दोनों का जब कोरिलेशन होता है, जब दोनों का संगम हो जाता है, ठीक है, फंडामेंटल और टेक्निकल का, तब यहाँ पर चीजें जब भागती हुई नजर आती है, जब चीजें अच्छी आपको अच्छे रिटर्न देती हुई नजर आती है, तब ही देती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल चल रहे हैं या फिर फंडामेंटल के बेसिस पे, फंडामेंटल बेकार है, टेक्निकल अच्छे है, तो चीजें उस तरीके से। तो दोनों का संगम होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पॉज करके 8860540501 8169261037 कांटेक्ट करिए। इन नंबरों पर जैसे ही आप हमें कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज, जो भी आप करना चाहते हैं आप करिए। यहाँ पर ये पूरा कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए। ये तो केवल ऊपर से लिख रखा है, थोड़ा सा बता रखा है कि ये सिखाया जाएगा, बट अंदर भी क्या सिखाया जाएगा, स्टेजेस सिखाई जाएगी, कब लेना है, कब बेचना है, कब यहाँ पर बाइंग होती है, कहाँ एवरेज होती है, कहाँ एवरेज नहीं होती, वो सब चीज। 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग साथ में आपको दी जाएगी, जिसे हैंड होल्डिंग कहते हैं। स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स दिए जाएंगे। कोर्स की फीस 15 तारीख तक 15,000 थी, बट वो अब खत्म हो चुकी है। 17,500 का कोर्स है, हमने काफी बच्चों को यहाँ पर इस फीस में पढ़ाया, अब 17,500 की फीस यहाँ पर हो गई है। पूरा कोर्स कराया जाएगा और इस कोर्स को निकलने के बाद याद रखिए, किसी भी मार्केट में, दुनिया की किसी मार्केट में, किसी भी सेगमेंट में, चाहे फ्यूचर करो, चाहे ऑप्शन करो या कुछ भी, सब यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन का नॉलेज भी यहाँ पर साथ में देता हुआ नजर आऊंगा। तो इस कोर्स को क्या है, आप यहाँ पर कर सकते हो। एज वेल एज आपको पता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, उसमें आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फीस कितनी, 1,000 रुपीज पर मंथ। 1,000 रुपीज पर मंथ में वेल क्रिएटर्स ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो कि एक महीने बाद यहाँ पर 2,000 रुपीज डायरेक्ट यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स का फायदा उठा सकते हो। आज मैंने कुछ दिया नहीं है, कल का ही, टू बी वेरीफाइड, कल का ही ये यहाँ पर है शेयर। तो यहाँ पर देखिए 150% के रिटर्न एक स्टॉक्स ने दिए, अब और बढ़ गए हैं और यहाँ पर शेयर भाग गए। स्टॉक्स ऑफ 10-11%, ओके 11% ये। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आती है, आपको बताया जाता है कि कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजें नहीं लेनी है। ओके, तो आप इन चीजों पे क्या कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, इन स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हो जो हम यहाँ पर बताते हैं। और मार्केट का बिहेवियर के हिसाब से जब चीजें मार्केट में ठीक है तो याद रखिए अच्छे खासा, ऐसा नहीं है कि आपके स्टॉक्स, जो स्टॉक्स यहाँ पर दिए रहेंगे ना इस ग्रुप में, वो स्टॉक सबसे ज्यादा भागते हुए नजर आएंगे जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, 5 लाख, 10 लाख, ओके, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। उनके लिए एक पर्सनल सर्विस है, प्रीमियम सर्विस है, जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दूंगा, जहाँ पर अच्छे रिटर्न यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे। देखिए कल बताया था IEX 50 रुपए का, ये 50 का टारगेट, क्या अभी लेना चाहिए, यहाँ पर बताया था चीजें नीचे गिरती हुई नजर। भारत वायर कल बताया था कि चीजें भाग गई है, चीजों को नीचे आने दीजिए, देखिए यहाँ पर आज गिरता हुआ नजर आया। ओके, तो इस यहाँ पर बताया था, देखिए 51 रुपए चुटकी बजाते ही पहुंच जाएगा, 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो ऐसी चीजें दी जाती है, तो यहाँ पर वीडियो तो में तो बताई जाती है, ओके, ग्रुप में और ज्यादा दी जाती है। तो आप कोई भी चीजें उठा के थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चीजें ले सकते हैं। पैरामाउंट कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पर देखिए जो इनके प्रोडक्ट्स है, ओके, वायर्स के स्टॉक्स काफी भागे हैं अच्छे खासे। पावर केबल बनाते हैं, टेली कम्युनिकेशन में जो केबल्स यूज होती है वो बनती है, ओके, जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जो आपको चल रही है, जेली फील्ड केबल्स, FTTH, स्विच बोर्ड केबल्स, जंपर वायर्स, ये बनाते हुए नजर आए। ये देखिए LTHT, ये सभी केबल्स ये बनाते हुए नजर आते हैं, एज वेल एज कंट्रोल केबल्स ये बनाते हैं।
डोमेस्टिक वायर्स ये बनाते हुए नजर आते हैं जो घरों में यहाँ पर बिल्डिंग्स में यूज होती हुई नजर आते हैं, सोलर केबल्स एज वेल एज स्पेशल केबल्स रेलवे के लिए, फायर सर्वाइवल केबल्स के लिए और थर्मो कपल के लिए केबल्स बनाते हुए नजर आते हैं। कंपनी काफी बेहतरीन है और इनके क्लाइंट्स आप देखेंगे तो इनके क्लाइंट्स छोटे मोटे नहीं है, इनके बहुत बड़े 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 यहाँ पर क्लाइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे इनके सेगमेंट है केबल्स के। इंडियन रेलवे भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती हुई नजर आती है। ओके बड़े बड़े यहाँ पर देखिए बेल, इंडियन इंडियन ऑयल, ओके बीएसएनएल, लार्सन टुब्रो, ये जितनी भी कंपनी है, इंडियन रेलवे, एनटीपीसी, इसरो, सेल, बीएसईएस, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, बेल, इंडियन ऑयल एज वेल एज अडानी वगैरह, ये जितने भी कंपनीज है सारी इनसे ही प्रोडक्ट्स लेती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखते हैं तो ये देख सकते हैं रेलवे केबल्स और ये सब चीज, हाई इंटेंशन केबल्स और ये सब चीज ये बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे का अडानी पावर, अडानी रिन्यूएबल, टाटा, सीमेंस, अदर्स, ये इनके क्लाइंट्स है सारे के सारे। अच्छा खासा ज्योग्राफिकल इनका स्प्लिट है, मतलब यहाँ पर रिवेन्यू आती हुई दिखाई देती है इंडिया से भी और बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं दूसरी कंट्रीज में। कंपनी की बात करें तो देखिए 585 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्या है, माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप कंपनी में जब रिटर्न बनेंगे एक साथ ही बेहतरीन बनते हुए नजर आएंगे और जो चीजें गिरेगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर डर गए और डर के यहाँ पर बेच दिया, सिंपली चीजें अच्छी है तो चीजें भागेंगी, सिंपली चीजें अच्छी नहीं है तो सिंपल गिरती हुई नजर आएगी। कभी ये शेयर यहाँ पर हम बात करें तो ये 55-60-70 रुपए के आसपास का हुआ करता था और उससे भी पहले ये शेयर 200-300 रुपए का हुआ करता था। ओके तो क्या उस लेवल पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है कंपनी में अगर यहाँ पर काबिलियत रहेगी। क्या कंपनी में काबिलियत है वो देख लेते हैं। कंपनी की बात करें 30 रुपए का शेयर है, 45 रुपए का इसने हाई लगाया था अभी रिसेंटली, इससे पहले क्या हमने ये शेयर बताया था वो भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए पैरा केबल यहाँ पर बार बार आपको बताया गया, 3 महीने पहले बताया था, 22 रुपए बताया था, फिर 33 पे बता रहा हूँ, ओके 28 पे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिख रहा है 23 रुपए पे यहाँ पर मल्टीबैगर स्टॉक्स, और 23 रुपए से जब आप देखोगे तो 23 रुपए से इसने यहाँ पर ये रैली करी थी अच्छी खासी, मतलब आपके पैसे डबल हो गए थे। तो बार बार हम चीजों को बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये शेयरों में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीडियो में भी बताते हैं एज वेल एज उधर दूसरी तरीके से और बताते हैं कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर घटा सकते हो, तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप्स को। यहाँ पर देखिए पी 15 का है, इंडस्ट्री का पी 19 का है, ना महंगा है ना सस्ता है, और पी के बेसिस पे काम नहीं करना, लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर रखना नहीं है शेयर में क्योंकि आरओसी आरओई अच्छा नहीं है। डेट की बात करें 82% का कंपनी के ऊपर डेट भी है, इस चीज को याद रखिएगा। एज वेल एज यहाँ पर देखिए कंपनी के, तो यहाँ पर कॉन्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, प्रोज यहाँ पर थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, बट हमें इस पर नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ फंडा टेक्निकल तो फंडामेंटल्स देख रहे हैं, क्या फंडामेंटल अच्छे, लगातार बेहतरीन नंबर सारे, रिवेन्यू देखिए हाईएस्ट एवर, ओके पिछले 12 क्वार्टर में, कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ हाईएस्ट एवर, कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रुपए हाईएस्ट एवर ईयरली क्वार्टरली बेस पे एज वेल एज पिछले 12 क्वार्टर में। यहाँ पर देखिए ईपीएस लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर अदर इनकम 4 करोड़ के आसपास के, ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ देखिए ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कभी यहाँ पर 700-800 करोड़ की सेल्स होती थी वो कम हो गई थी, तो शेयर भी यहाँ पर कम हो गया था, चला नहीं था, बट शेयर जैसे ही कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है दोबारा शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। जो कभी कंपनी घाटे में थी 100-100 करोड़ के घाटे दिखाती थी, आज यहाँ पर हाईएस्ट एवर 39 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इसलिए शेयर प्राइस भी भागता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व्स 183 करोड़ का रिजर्व्स, कभी 400-500 करोड़ की बोरिंग थी, अभी 181 की रह गई है, तो धीरे धीरे यहाँ पर बोरिंग कम कर रही है कंपनी। कंपनी का यहाँ पर आप देखोगे कैश, तो कंपनी का कैश भी रखा हुआ है 12 करोड़ रुपए के आसपास, और यहाँ पर देखिए कंपनी के प्रमोटर्स लगातार हिस्सेदारी 60% से 62.12 ले आए हैं। FIs यहाँ पर ना पहले थे, दोबारा बेच दिया और दोबारा यहाँ पर ना के बराबर ही है, मान के ना ही समझिए। इसके अलावा पब्लिक की बात करें, पब्लिक में यहाँ पर 37% के शेयर है, एक इलारा कैपिटल है, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, और दर्पण जैन है, उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट स्टिल आप देखेंगे 35% के शेयर मार्केट में अवेलेबल है। ओके एज वेल एज यहाँ देखिए कुछ ब्लॉक डील्स वगैरह हुई है, तो यहाँ पर इलारा ग्रुप ने यहाँ पर सेल किया था, जो यहाँ देखिए 27 रुपए के हिसाब से इनके 10 लाख शेयर यहाँ पर बेचे गए थे, तो वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर निकाल दिए थे सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बेकार है, नहीं बिल्कुल बेकार नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है। हाँ बेचा है, वहां से थोड़ी सी गिरावट आई, ओके उसके बाद भागा था, बट गिरावट आई और फिर यहाँ पर हम देखे तो थोड़ी सी इस पर्टिकुलर शेयर में क्या होता हुआ नजर आ रहा है,
इसमें चार्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पर चार्ट में दिखाई देता है, क्या यहाँ से और गिर जाएगा, उसका जवाब मैं अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देता हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इन नंबरों पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में डिटेल्स ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। 1000 रुपीज पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए शेयर प्राइस यहाँ से गिर के शायद इस लेवल को टच कर सकता है, ओके 26 को, ओके और सबसे अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 28 के आसपास भी। अगर यहाँ पर शेयर आता है और यहाँ से बाउंस बैक देता है तो चीजें अच्छी है, अदरवाइज ये शेयर शायद 20 या फिर यहाँ पर 15 का लेवल दोबारा दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तेजी यहाँ पर से देखोगे 11 रुपए से ये शेयर 44 रुपीज, 11 रुपए से 44 रुपीज का यहाँ पर दिखा चुका है, लगभग लगभग 300% के रिटर्न यहाँ पर। ये अगस्त 2000 अगर मैं बात करूँ 6 से 7 महीने में 300% के रिटर्न, जब इतने रिटर्न मिल जाते हैं उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी है। प्लस में यहाँ पर डबल टॉप बना है, उसका ब्रेकडाउन हो गया, जब चीजें ब्रेकडाउन हो गई है तो यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। फंडामेंटल क्या बेकार है? बिल्कुल भी नहीं, फंडामेंटल काफी अच्छे है। अब शायद अब जब रिजल्ट आ रहे होंगे तब थोड़ा बहुत यहाँ पर मूव करे, या फिर एक बार रिजल्ट आ जाए और अगर कंपनी ने दोबारा इस तरीके के रिजल्ट पेश कर दिया, मार्जिन दिखा दिया अच्छे, कंपनी एक शेयर प्राइस भागने लग गया तो यहाँ पर ये शेयर फिर नहीं रुकेगा, फिर ये 44 का लेवल भी टच क्रॉस करेगा और उसके बाद जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई था, ओके यहाँ पर और सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ 2007-08 का, तो यहाँ पर 62 का लेवल भी निकालेगा जो कि यहाँ पर से सीधे डबल होता है। एज वेल एज यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ, पैरामाउंट कम्युनिकेशन ये BSE पे जाते हैं क्योंकि BSE का डेटा थोड़ा ज्यादा रहता है। तो देखिए 62 का लेवल तो ये है और उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो कभी ये शेयर यहाँ पर 300 रुपए के आसपास भी था, तो ये शेयर 300 रुपए पे भी जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं जाएगा। अपर सर्किट लगते 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 पता नहीं चलेगी कि ये शेयर कब कब में यहाँ पर निकल लिया, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, बिहेव करना होगा। तो चीजें देखिए यहाँ पर ही भागी थी तो गिरावट हुई थी, यहाँ पर ही भागी थी गिरावट हुई थी, यहाँ पर ही भाग रही है तो गिरावट हो रही है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें, ओके ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके, और इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके कोर्स की डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।